दोस्तों आज आपको पावरफुल और डेंजरस मशीनों की पूरी कतार इस वीडियो में मिलने वाली है जिनमें कुछ मशीनों का काम तो बीच की तरह है इन मशीनों के साथ प्रोडक्टिविटी एक्सट्रीम लेवल पर जाने वाली है और इनका यूज टाइम को कम करके आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है तो आप इन मशीनों को जल्दी से एंड तक देख लीजिए तो फिर देर किस बात की है चलिए स्टार्ट करते हैं इसका माल के वीडियो को नंबर चौदह लाइव भैर एट वन थ्री जीरो एच डी डायनामिक सोइल कंपैक्शन कंस्ट्रक्शन साइट पर कंस्ट्रक्शन से पहले सॉयल कॉम्पैक्शन बहुत जरूरी होता है जो बनने वाले कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट करता है रोड पर मजदूर को कॉम्पैक्शन के लिए प्रिंट चलाते हुए आपने देखा होगा अब बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट पर हैवी कॉम्पैक्शन के लिए हवा से बहुत ऊंचाई से गिरता हुआ की क्रूलर क्रेन का इक्विपमेंट भी देख लीजिए एक टन का वजन ये क्रॉलर क्रेन उठा सकती है और इतने ज्यादा वजन के साथ डायनेमिक कॉम्पैक्शन का काम कर सकती है दस मीटर की हाइट ऐसी यहाँ इतने भारी लोड को सफेस की तरफ छोड़ती है इसकी वजह ऐसी सॉइल ऐसी सिटी का बाहर होना तो बिल्कुल वाजिब है और सोयल का सही कॉम्प्लेक्शन प्रोसेस इसकी मदद ऐसी काफी आसान हो जाता है नंबर तेरह जी ई एक्स ई के सिक्स जीरो एल पी मल्टीपर्पज पिलिंग के लिए मशीन काफी ज्यादा कंफर्टेबल है जिससे वेरिस पायलट मोड पर यूज किया जा सकता है इसके साथ पिलिंग रिग कैफ पिलिंग जैसी पाइलिंग ये प्रोवाइड करती है डी फाउंडेशन के ड्रिलिंग के लिए मशीन काफी ज्यादा उपयोगी है क्योंकि इसके साथ आप 12 से 25 मीटर तक की डीप ड्रिलिंग करवा सकते हैं अपने व्हील बेस आरोप इसका कैबिन तीन डिग्री तक रोटेट हो जाता है उसके साथ ड्रिलिंग इक्विपमेंट ड्रिल के साथ साथ खोदे गए मटेरियल को जमीन ऐसी बहा कर सर्फिस आरोप छोड़ने का काम भी करता है नो फ्यूल कंजर्वेशन के साथ ये ड्रिलिंग प्रोसेस पूरी करता है और मशीन का साइज व्हीलबेस के ज्यादा लार्ज ना होने की वजह से इसे आप आराम से ड्रिलिंग साइड पर लेकर जा सकते हैं नंबर बारह एएमई इंटरनेशनल आमतौर पर सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के टायर बदलना ज्यादा बड़ी बात नहीं है लेकिन जब बात बड़े साइज के ट्रक की हो इसके टायर काफी ज्यादा बड़े रहते हैं और वजन में तो इतने ज्यादा रहते हैं कि इन्हें हम जरा सा भी हिला नहीं सकते तब इस मशीन का यूज किया जाता है इसके तीन ग्रिप वाले हाथ है जो टायर के डिस्क को पहले टायर ऐसी ग्रिप निकालने के बाद खोलते हैं और उसे घुमा के टायर ऐसी निकाल लेते हैं फिर इस मशीन के द्वारा टायर को भी बड़े ऐसी ट्रक ऐसी अलग किया जा सकता है और इसके हैंड का साइज ऑफ टायर के साइज के हिसाब ऐसी कम ज्यादा कर सकते हैं पिचानवे इंच के भारी भर और अच्छे खासे लार्ज वाले टायर को भी आप इसकी मदद से खोल सकते हैं और वापस टायर को सही करने के बाद इसमें लगा भी सकते हैं और अगर आप टायर रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो प्रोसेस भी इसके तीनों हाथ की मदद से काफी इजी हो जाता है नंबर ग्यारह बॉब कैट कंपनी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए या फिर खेतों में अच्छी खासी डेप तक डेग लाइन बनाने में यूज होने वाली मशीन अगर आप दो जमीनों को अलग करना चाहते हैं और उनमें लंबी लाइन बनाना चाहते हैं तब भी आप इस ट्रेंचर अटैचमेंट वाली मशीन को यूज कर सकते हैं इसके आगे इंक्लाइन शेप में लगी हुई है ये घूमती हुई ब्लेड जो एक मीटर की डेप तक ट्रैचिंग कर सकती है और इसके साथ ट्रेंचिंग के बाद मटेरियल गड्ढे में भी दोबारा नहीं जाता क्यूँकी पिछले एरिया में ट्रेंच के घूमती हुई ब्लेड लगी हुई है जो मटेरियल को साइड करते जाती है नंबर दस कैमार्ग ट्रांसपोर्ट टेक्निक मेटल चीजों का रियूज दूसरे मटेरियल से ज्यादा आसान है और इसका डेवलपमेंट भी आग में मेटलिक चीजों को तपा तपा कर लावा बना देने के बाद हर तरह से किया जा सकता है लेकिन मेटलिक तपते हुए लावे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना काफी मुश्किल भाला काम है लेकिन आप जो स्क्रीन पर मशीन देख रहे हैं ये इसी तरह के धातुमल का ट्रांसपोर्टेशन करता है स्लैग पॉट ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशली इसे बनाया गया है ये मशीन अपने अंदर इतने खतरनाक लावे को ड्रम में भर लेती है और भरने के बाद उसे सही जगह पर डिस्चार्ज भी कर देती है मेटलिक धातु के बड़े सांचे के लिए या बड़े बड़े सांचो में मेटल धातु को डालने के लिए यह मशीन काफी दमदार और बड़ी भी है नंबर नौ डायमंड मूवर्स लकड़ी के लंबे लंबे पेड़ों को अगर आप कचरे से दूर करना चाहते हैं और उनके स्किन को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं तब आप इसका यूज कर सकते हैं ये स्किड स्टीयर ड्रम मल्चर है जिसकी मदद से लकड़ी के बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए जा सकते हैं वो भी डायरेक्ट सर्फेस के कॉन्टेक्ट में रहते हुए नौ इंच के डायमीटर वाले पेड़ों को आप इसकी मदद ऐसी से कुछ ही सेकंड में कचरा बना सकते हैं उसके खड़े हुए स्ट्रक्चर को कुछ ही देर में जमीन आरोप पड़े हुए कचरे में तब्दील कर सकते हैं वुडन के बने हुए अनवांटेड आप इसके साथ सर्फेस आरोप बिछा सकते हैं इसके हाई फ्लोर स्कीड स्टेरिंग मदद से आप 32 से 45 गैलन मटेरियल पर वर्क कर सकते हैं सिर्फ वो भी एक मिनट में नंबर आठ पैकमेट सिस्टम सोल कम्पेक्शन मशीन के बाद अब आप यहाँ व्यस्त कॉम्पेक्शन मशीन भी देख लीजिए इसके बूम के साथ लगा हुआ है एक कांटेदार लार्ज साइज का घूमता हुआ ड्रम डिफरेंट तरह के वेस्ट मटेरियल को आप एक लोरी में भर के रख दीजिए और उनके साथ इसको बहुत डिक्रीज करने के लिए मटेरियल को कम्पैक्ट करने के लिए उनके ऊपर इसे कुछ देर के लिए चला दीजिए सिर्फ दो ऐसी तीन मिनट में ये मटेरियल का कॉम्पैक्शन कर देगा और वेस्ट मटेरियल की गहरी गई जगह को आधे ऐसी भी ज्यादा कम कर देगा और इसके साथ वेस्ट मटेरियल को स्टोर या उनका भी यूज करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा नंबर सात गैंडिनी मैका निका पतझड़ के मौसम में पेड़ का कचरा बहुत ज्यादा हो जाता है और बड़ी बड़ी लकड़ियाँ सफेद पर कचरा करती रहती हैं। इस तरह के वेस्ट मटेरियल को पाउडर फॉर्म में करने के लिए छोटी छोटी चिप्स में बदल देने के लिए इस मशीन का यूज किया जा सकता है रोटेटिंग ड्रम और मल्टी ब्लेड की मदद से इसके अंदर मटेरियल को डाल देने के बाद वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है इसका डिस्चार्ज इस मशीन के द्वारा काफी ज्यादा इजी हो जाता है आप डायरेक्ट किसी ट्रक की ट्रॉली में भी इसके डिस्चार्ज को भर सकते हैं और सफेद पर भी इसकी नोजल की मदद से इस मटेरियल को निकाल सकते हैं 800 से 1000 हजार एनर्जी के साथ ये वर्क करता है भैया नंबर छह मेंटी साइन एन ग्रुप एल टी डी ओ वाई ये सुपर टाइप क्रेन है जो कन्वेंशनल क्रेन से काफी ज्यादा डिफरेंट तरीके से डेवलप की गई है इसका कैबिन इसके टनल स्ट्रक्चर के ऊपर लगा हुआ है जहाँ से इसको ऑपरेट करने वाले ड्राइवर को ऑप्टिमल व्यू दिखता है कार्बो मटेरियल को अपने अंदर स्टोर करने वाले बड़े बड़े साइज के कंटेनर को हैंडल करने के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया है और बंदरगाहों पर इसका यूज समुद्री ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ज्यादा इजी बना देने वाला है वैसे तो आप इसे कई सारे अलग अलग हैंडलिंग पर्प से यूज कर सकते हैं लेकिन कंटेनर हैंडलिंग और भारी मटेरियल हैंडलिंग के लिए इसे स्पेशली तरीके ऐसी यूज किया जा सकता है और कुछ ही घंटों में इसके साथ बड़े बड़े जहाजों को खाली करके वापस रवाना किया जा सकता है भैया नंबर पाँच सैने बोगेन मशीन एन फेब्रिक जी एम बी एच एट वन सिक्स जीरो ई क्यू फिफ्टी परसेंट एनर्जी को मिनिमाइज करके यूजर्स प्रोवाइड करने वाली ये अल्टीमेट क्रेन है इसका यूज ऑफ लार्ज हाइट पर चीजों की हैंडलिंग के लिए कर सकते हैं इसकी बकेट रोटेट हो जाती है और इसके अंदर आप बहुत सारा मटेरियल उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं ये मटेरियल को अपने बकेट में आराम से उठा लेती है और इजिली डिस्चार्ज प्रोवाइड करती है समुद्री जहाजों से मटेरियल को निकाल के डायरेक्ट ट्रक में लोडिंग इसके साथ दी जा सकती है पानी से भारी वजन वाले नाव को निकालने के लिए या फिर जहाज़ों से बड़े एक्विपमेंट को निकालने के लिए या ज्यादा मटेरियल को लोड करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है इसमें एक सौ की इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है नंबर चार हिताची कंस्ट्रक्शन ये लार्ज साइज एक्सकेवेटर मशीन है जो प्रोडक्टिविटी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर ले जाती है और इसका यूज माइनिंग साइट्स पर टाइम लैप्स के साथ किया जा सकता है कंप्यूटर एडेड इंजन पंप इसके एक्सकेवेटिंग ऑपरेशन को ऑप्टिमल कंट्रोलिंग प्रोवाइड करता है और ट्विन क्यूबिक इंजन हाई परफॉर्मेंस के साथ माइनिंग साइट पर वर्किंग के लिए काफी बेहतर है तैतालीस क्यूबिक मीटर एरिया रखने वाला इसका बकेट लार्ज साइज ट्रक को सिर्फ तीन बार में ही पूरा भर सकता है और इसके साथ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन को बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ पूरा किया जा सकता है ड्यूरेबल बॉडी पार्ट्स और हाई लोड लोडिंग कैपेसिटी के साथ ये बीर्स परफॉर्मेंस देता है नंबर तीन रॉक्सगॉन पीटीवी एलटीडी ये मशीन खेती के लिए जमीन को फिर से तैयार करने वाला काम करती है जी हाँ फसल की कटाई के कुछ वक्त बाद जब जमीन पर बहुत सी अनवांटेड वीड्स आ जाती हैं और खेत की मिट्टी को थोड़ा खोदने की जरूरत होती है तब आप इसका यूज कर सकते हैं लार्ज साइज का सर्कुलर शेप वाला घूमता हुआ इसमें ड्रम लगा हुआ है जिसके आगे नुकीले दांत सफेद ऐसी लग चलते हैं और बीज को बोने के लिए सर्फेस तैयार करते हैं इस मशीन को आप सिंपल अटैचमेंट के साथ ट्रैक्टर ऐसी अटैच करके आराम ऐसी खेत में चला सकते हैं और ये घूमते हुए खेत की मिट्टी ऐसी बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के बाद उन्हें अपने अंदर लेकर सर्फेस से हटा भी देता है नंबर दो मैकी लिफ्ट लिमिटेड ये मटेरियल हैंडलम मशीन है जो तीन फीट की ऊंचाई तक मटेरियल को उठा सकती है और अपने हाथों को मटेरियल को उठाते हुए अच्छा खासा लंबा कर सकती है लकड़ियों के बने हुए भारी भरकम बंडल सर्कुलर डिस्क जैसे डिफरेंट टाइप मटेरियल को ये अपने हाथों से उठा लेती है और लंबे साइज के टाइप कंटेनर के अंदर रख देती है इस अकेली मशीन के साथ कई तरह के अलग अलग मटेरियल को लोडिंग किया जा सकता है और ये बिना किसी डैमेज के मटेरियल को ट्रक के ट्रेलर पर रख सकती है इसका रोटेटिंग हैंड चौबीस फीट अपनी लंबाई को बढ़ा लेता है और एक लंबे ट्रेलर पर मटेरियल को रोटेशन प्रोवाइड करता है और इसके साथ मटेरियल को कैबिन से आराम से निकाला भी जा सकता है सोलह टन का वजन उठाने में मशीन कैपेबल है और इतने वेट को उठा कर ये ट्रेलर पर रखने के साथ साथ उसे स्टेबल डिलीवरी भी प्रोवाइड करती है नंबर एक यूनिफोरे डी ओ यह हाइड्रोलिक फॉरेस्ट बेंच मशीन है इसका यूज आप जंगल में पेड़ों के बड़े बड़े तनों को खींचने के लिए कर सकते हैं मेटल वायर इसका बारह टन का वजन बांध कर खींच सकता है और सेफ्टी के लिए मेटल का बना हुआ गार्ड भी मशीन के साथ निचले एरिया में लगा हुआ है लंबे लंबे टिम्बर के मटेरियल को खींचने के लिए और उनका रोटेशन प्रोवाइड करने के लिए ये मशीन जंगल की सरफेस पर काफी बेहतर तरीके ऐसी राइटिंग प्रोवाइड करती है इसकी बेंच के साथ आप चाहे तो और भी ऐसी मटेरियल बन सकते हैं और उनको भी घर हुए कहीं भी लेकर जा सकते हैं तो दोस्तों इतनी सारी मशीनों में आपको कौन सी मशीन का सबसे ज्यादा काम पसंद आया है और इनमें से किस मशीन की आपको जरूरत है कमेंट में जरूर लिखें जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दें धन्यवाद दोस्तों